नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है, थोड़ा गहराई ज़्यादा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात कही जा सकती है एक बुराई के साथ में। यानी कि आज के जीवन में व्यक्ति का चपल होना ज़रूरी है, यानी कि समय के अनुसार वार करना, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये व्यक्ति की जब उंगली इतनी गहराई में जाती है तो व्यक्ति के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वालिटी को डालती है। साथ ही साथ उंगली की लंबाई सूर्य के पहले कट तक है, किसी भी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं है। यश मान सम्मान की बात करें वो भी आपको प्राप्त होगा। भाषा शैली भी आपकी अच्छी है, यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी बुद्ध की उंगली, किसी प्रकार का भी कोई यहाँ पर दोष नहीं है उंगली के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और लगभग लगभग शनि की उंगली के साथ मिली हुई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, यानी अपनी तरफ से माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों से भी किसी प्रकार के विचार मतभेद नहीं करता है। और यहाँ पर अभी किसी प्रकार से सम्मान में दाग लगाने का भी कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ शनि की उंगली, यानी कि अभी यहाँ किसी भी प्रकार का वो चिन्ह मौजूद नहीं है कि आपको किसी को प्रकार का कोई गहन रोग हो। साथ ही साथ आपके पास जीवन के जो धन के आगमन हैं वो संपन्न रूप से, यानी कि साधारण रूप से भी विराजमान है, तो उस प्रकार से किसी प्रकार से आपका धन कोई छीन नहीं लेगा। ये भी थोड़ा सा ये उंगली का शनि की उंगली पर चढ़ना ये अनुकूल नहीं कहलाता है। बृहस्पति की उंगली जब बिल्कुल मिलाने के बाद शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करती है तो व्यक्ति पैसे का अति भूखा हो जाता है, यानी कि पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं लेकिन ये व्यक्ति, जैसे मैंने उंगली के द्वारा बताया था कि चाहे थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए, जैसे कहते हैं टेढ़ी उंगली करना, तो उससे भी घी को निकाल लेता है। तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है, जो करें वो मर्यादा के द्वारा करें। यहाँ बताती है आपकी ये बृहस्पति की उंगली। अब बात करूँगा बुध के पर्व की। बुध का पर्व यहाँ पर बुध का पर्व देखता हूँ तो बिल्कुल अनुकूलता के साथ है, सम है। छोटी छोटी ये रेखाएँ भी हाथ के अंदर 3 से 4 रेखाओं का यहाँ पर होना अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, यानी कुल मिलाकर के स्थिति कितनी भी खराब हो धन के आगमन बने रहते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, संतान का सुख सहयोग अवश्य व्यक्ति को मिलता है, ये दूसरी बात होगी। तो यहाँ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा। अब बात करेंगे यहाँ आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत पर और यहाँ देखें तो एक छोटा सा ट्रायंगल नीचे को बनता हुआ और ये खड़ी हुई रेखाएँ आपके जीवन में इस समय चल रही है 36 की एज। यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रयास करे, मेहनत करे, तो अपनी युवावस्था में सरकारी नौकरी तक प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ अब इसके अंदर यहाँ सूर्य पर्वत जो है वो आपको इस समय दिखला रहा है यश मान सम्मान, यानी कि अब कोई जीवन में दाग नहीं। साथ ही साथ आपको कोई सरकारी उपक्रम के टेंडर्स जैसी चीज़ मिले तो उसको अपने जीवन के अंदर आप अपना सकते हैं, यानी सरकारी टेंडर से लाभ मिलने के संकेत यहाँ इस प्रकार का। अब बात करता हूँ आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ सूर्य पर्वत से निकल कर के शनि पर्वत को जाने वाली रेखा, यानी अच्छे खासे लोगों के बीच में उठना बैठना जानकारी व्यक्ति की होती है जो प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ 3 रेखाएँ अभी से खड़ी हैं, हालांकि वो तो इतनी अच्छी तो नहीं है कि जिनके आगे मैं 55 साल के बाद बारे में बोल दूं, हाँ, लेकिन ये अपने आप में अनुकूल हैं। यहाँ छोटी सी अनुकूल जब रेखा चलती है तो व्यक्ति के पास धन की आगमन बनाती रहती है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर इन रेखाओं का खड़ा होना बहुत अच्छा इंडिकेशंस होता है। यहाँ बुद्धि के द्वारा शनि पर्वत को जाने वाली रेखाएँ, यानी कि अपने ज्ञान से धन कमाना, और खड़ी रेखाएँ व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से उसको पारिवारिक रूप से मकान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अपने जीवन में कई वाहनों को व्यक्ति बदलता है, और तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार बृहस्पति पर्व अनुकूल होने पर संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये ऐसी चीज़ें कई बदलने वाली हैं आपके जीवन में। मैंने तो देखा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई कई बार भवन भी बदल जाते हैं। चलिए उसके लिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा और हृदय रेखा से यहाँ 1 रेखा 2 और ये 3, यानी कि त्रिशूल का मैंने बहुत महत्व बताया है
यहाँ इस प्रकार का जब त्रिशूल व्यक्ति के जीवन में बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में यानी कि उसको श्रीम ह्रीम क्लीम यानी कि माता ज्ञान की देवी की भी उस पर कृपा होती है, धन की भी उस पर वर्षा होती है, माँ वैष्णवी की भी कृपा रहती है और महाकाली उसे मुसीबतों से बचा लेती है। लेकिन चौथी लाइन जब ये जा करके थोड़ा मंगल पर्वत तक जाती है तो ये पत्नी से थोड़ा सा टकराव भी दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार को दर्शने वाली ये आपकी तीन रेखाओं का यहाँ पर फल है। हृदय रेखा में किसी प्रकार के रोग के कोई संकेत यहाँ पर नहीं है, साथ ही साथ पत्नी के भी कोई रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मंगल पर्व वो है जो व्यक्ति के जीवन में तय करेगा क्या वो व्यक्ति मेहनत करता है, क्या वो व्यक्ति कर्म करता है। बहुत सारी छोटी 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 रेखाएँ तो मैंने मोटे रूप से खींच दी हैं, ये व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा करती हैं संघर्ष करने के लिए, काम करने के लिए। तो ये अच्छी बात है, आपके पास ये बहुत सारी रेखाएँ यहाँ पर हैं, आप मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं। सेकंड पर्वत देखता हूँ मंगल का, तो वहाँ पर मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है, ना कोई मुकदमा है, तो यहाँ ना कोई एक्सीडेंट है, इस तरह का कुछ भी यहाँ चिन्ह मौजूद नहीं है। आपकी बुद्धि रेखा की बात करूं, बुद्धि रेखा भी जाकर के सीधा सीधा मंगल पर्वत को देखती है। जब व्यक्ति का संबंध मंगल पर्वत पर पहुंच जाए, साथ ही साथ मंगल रेखाएं जाकर के मंगल तक पहुंचने लगें और सूर्य पर्वत भी अनुकूल हो, तो आपके एक सवाल का जवाब मैं यहां पर दे देता हूं। आपने पूछा है कि मैं अपने पहली बात है आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल कर सकते हैं आप पार्टनरशिप में बिजनेस, परंतु पार्टनरशिप में आप के पास थोड़ा सा स्क्रेचिस थी आपके हृदय रेखा में, तो एग्रीमेंट के साथ चलिएगा, नंबर एक बात। दूसरा, बिल्कुल अग्नि और मंगल ये आपके दोनों अच्छे हैं। अग्नि क्षेत्र यानी कि सूर्य पर्वत जहाँ सरकारी राज्यों सरकार से मिलाता है वहीं वो अग्नि का कारक भी होता है, और मंगल यहाँ लोहा और शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ ही साथ अग्नि का उसमें पेट्रोल के रूप में प्रवेश होता है यानी इलेक्ट्रिक। तो यानी कि आप अपने जीवन में स्कूटर बाइक वाला जो आप सेलिंग का काम कर रहे हैं उसमें करें, एग्रीमेंट करके चलें थोड़ा सा, इस बात को यहाँ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। चलिए ये हो गया, बात चंद्र पर्वत की कर लेते हैं। चंद्र पर्वत दूसरे हाथ में देख लो, चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार के कोई भी चिन्ह नहीं, यानी कि कोई यहाँ ज़्यादा भाग दौड़ वाली आपके जीवन में आपको रोज़ रोज़ की भाग दौड़ वाला काम नहीं, कोई दूर देश से संबंध जुड़ने वाला नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो मानसिक टेंशन भी नहीं, इस प्रकार के संकेत चंद्र पर्वत जब अनुकूल होता है तो उसके फल ये माने जाते हैं। आइए बात करते हैं हम आपकी सीधा यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा अभी कोई पक्के रूप से यहाँ नहीं बनी है, थोड़ी थोड़ी सी स्कर्सिस के रूप में है, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में साथ ही साथ शुक्र पर्वत से जब रेखा निकले तो व्यक्ति का विवाह के बाद में उसका भाग्य उदय होता है, कभी कभी उसको विदेश जाने का मौका भी जीवन में अवश्य लगता है। तो चलिए ये व्यापारिक रेखाएं अभी ज़्यादा मजबूती से नहीं है तो अपने, लेकिन आपके पास में बुद्धि का टावर सही था, उंगली की सही था, आप सोच समझ सही रखते हैं और सही मौके पर वार करके अपने आप को जीत भी जा सकते हैं। तो व्यापारिक रेखा कुल मिलाकर पटर ठीक है आपका, और रेखाएं भी आपके जीवन में बनने वाली हैं। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा जहाँ आपका थोड़ा संबंध निकल कर के आता है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मणिबंध रेखा से, ऐसे में व्यक्ति को पारिवारिक सपोर्ट भी मिलती है। कई बार मैंने देखा ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक रूप से पीछे से सपोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली और ये चल कर के यहाँ पहुँच कर आपके जीवन में बनेगी ये रेखा है भाग्य रेखा। ये 35 और इस समय आपकी 36 एज, 36 से बारीक बारीक रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ चल रही हैं। तो ये अपने आप में आपको जो पूर्ण मजबूती दे रही हैं ये जीवन में दे रही हैं 39 के बाद, यानी 40वें वर्ष से आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति अनुकूलता है। और अभी अपने आप में यह छोटा सा बॉक्स पूरा नहीं बना है तो वो बन रहा है, तो थोड़ा त्रिभुज के रूप में कह सकते हैं या चतुर्भुज के रूप में कह सकते हैं, अभी वो फ्री रूप में नहीं बन रहा है। तो असली सफलता जीवन में 39-40 के बाद है, अभी आपका सुचारू रूप से काम चलता रहेगा, ये ठीक है अपने आप में। तो चलिए ये मैंने आपकी भाग्य रेखा पढ़ी, अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपका सवाल ले लेते हैं।
तो आपने कहा ये छोटे छोटे त्रिभुज या छोटी छोटी खड़ी रेखाएं ये आपको दर बाई दर बननी, यानी एज के हिसाब से बन देखूँ तो ये बीच वाली लगभग ऐसा कह सकते हैं 36 पर, उसके बाद देखते हैं तो ये 40वें वर्ष पर, यानी यहाँ यहाँ आपको जीवन में अच्छा खुशी का अनुभव होगा, थोड़ा सा सहयोग रूप से आपका काम चलेगा। इसके बाद बहुत अच्छा यहाँ चलेगा आपके जीवन में आकर के लगभग 48वें वर्ष में। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर निकलने वाली रेखाओं के फल हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर, तो पत्नी के लिए मैंने बोल ही दिया था, मैं छोटे छोटे एक्स से ज़रा पत्नी से संबंध ठीक रखें। ये संजीवनी रेखा, ये मंगल रेखा होती है, ये आपको मिली है आपके जीवन में 30 से लेकर के और लगभग 45-47 वर्ष तक, जो आपको सभी मुसीबतों से निकालने वाली रेखा के रूप में है। आयु रेखा की बात करता हूँ, आयु रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ लगभग लगभग अभी कह सकते हैं कि लगभग जा करके हाँ बिल्कुल 76 वर्ष के पास ये आयु रेखा पहुंच चुकी है, उसके आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है। तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। अब बात करेंगे आपके सवाल की, आपने कहा दूसरी संतान का सुख। देखिए यहाँ आपके हाथ में मुझे वो चिन्ह कहीं भी नज़र नहीं आया जिससे मैं संतान रेखाएं बोल सकूं। तो ये सब देखा जाता है पत्नी के भाग्य से, तो कुल मिलाकर के पत्नी के भाग से पता लगता है या हाथ से कि उनको कितनी संतान का सुख है। आपके हाथ से पता नहीं लग रहा, आपकी पार्टनरशिप वाले सवाल का जवाब दे दिया मैंने। मैरिड लाइफ के लिए मैंने बता दिया, थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण रखें, कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो थोड़ा सा पत्नी के साथ टकराव को दर्शाते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया। सोशल रेस्पेक्ट की बात करी आपने, बिल्कुल सामान्य किस्म की अभी हाथ के अंदर सोशल रेस्पेक्ट है। बहुत राजनीति में जाने का प्रयास ना कीजिए बिल्कुल भी, वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और सोशल रेस्पेक्ट भी आपकी वर्तमान तक बनी हुई है, कोई दाग का चिन्ह अभी नज़र नहीं आता। क्या फेमस पर्सन बन पाऊंगा? अभी हाथ के अंदर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि आप फेमस पर्सन बन पाएंगे। यदि आपके जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि फेमस की बात करें, तो उसके लिए जो यहाँ पर मंगल पर्वत की रेखाओं का खड़ा होना ज़रूरी होता है, यहाँ पर अगर इस प्रकार से 4-5 खड़ी रेखा नज़र आने लगे तो ये आपको प्रसिद्धि की तरफ ले जाती हैं। फ्यूचर विद ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे पहले संबंध होता है बुध पर्वत का और उसके साथ शुक्र इन्वॉल्वमेंट। अभी यहाँ व्यापारिक रेखा ही मजबूत नहीं है और ना ही मंगल पर्वत से निकल कर के निकलने पहुँचने वाली बुध रेखाएं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन वाले हाथ मैंने हजारों देखे हैं, वो संकेत इस हाथ के अंदर अभी नहीं है। तो अभी ऑनलाइन बिजनेस में ज़्यादा लाभ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे आपको छोटे रूप में उसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अभी वो रेखाएँ बन भी जाती हैं तो ऐसी कुछ नहीं है, रेखाएँ तो 9 महीने के अंदर बन जाती हैं, हाथ में अभी नहीं है इसलिए मैंने नहीं बोल दिया आपको। तो आपके सारे सवालों के साथ साथ जवाब मैंने आपको दिए और अब मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करें आपके जीवन में, जो आप बिल्कुल अनुकूलता के साथ में मकान धन सब चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको सिर्फ एक करना है, बेहतरीन सा तो पन्ना पहनिए, यहाँ इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन पन्ना पहनिए जिससे आपकी डिसीजन पावर सही हो और सही निर्णय लेकर के आप तरक्की करें। और अपनी पूजा के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पूजा जोड़ लीजिए और वो है देवी कवच। आप रोज़ाना दुर्गा सप्तशती में जाकर के देवी कवच नित्य पढ़िए, उसके वो आपके जीवन के अंदर सुख संपन्नता सब चीज देगा। शुक्र पर्व भी यहाँ पर आपका अनुकूल है, यानी कि जीवन में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन संसाधन जो आवश्यक जरूरतों के होते हैं वो आपके पास मौजूद है। नमस्कार।